बच्चों आज जो है स्लोगन एंड स्टेटमेंट वाला पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट जो है इतना महत्वपूर्ण है, इनमें अनेक कहानियां छिपी रहती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बता देंगे आप लोगों को, लेकिन सभी की नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जितना होगा संभव हम वो आप लोगों को बताएंगे लिखाएंगे, ठीक है। तो प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक दो दिन में आप लोगों को ये बता, ठीक। कुछ स्लोगन जो है परीक्षाओं में इंटरव्यू में बार बार पूछा, तो कुछ ऐसे होते हैं कभार पूछ लिए जाए जो आपको रीड दिला देते हैं। 100 नंबर का पेपर आया, सामान सामान सबको याद रहते हैं, ठीक है, जटिल जटिल स्लोगन जो है कम लोगों की ध्यान जाती है, और आपका यदि वास्तव में पूरी तैयारी है तो आप जो है उसमें रीड ले गए ये समझिए आप जो है बाइक में अच्छी। देखो जीता सा उदाहरण देते हैं, हमारे साथ में हम सब लोग थे इलाहाबाद हमारी कमेटी, ठीक है, बहुत मुख्य मंडली थी, उसमें से एक अवस्थी जी थी, ठीक है, सिर्फ ताय अवस्थी नाम, उम्र हम लोगों से बहुत छोटी थी, बस एम ए किया, तैयारी की एक साथ, ठीक है, उसी के साथ में एम ए के साथ में तैयारी करते रहते, पहले ही चांस में UPSC का पहले ही चांस में प्री निकल गया, पहले ही चांस में मेंस निकल गया, पहले ही चांस में इंटरव्यू का पास, ठीक, और इंटरव्यू में भी हो गया पहले ही चांस, ठीक है, समझना बात, IAS का भी भरा था उसी साल, पहले ही चांस में IAS का प्री निकल गया, IAS का इंटरव्यू को मेंस निकल गया, और इंटरव्यू तक इंटरव्यू में दुर्भाग्य से नहीं, ठीक। अब हमारे मन में और कंठा हुई कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वही ये पढ़ रहे हैं, अंतर क्या है, समझना बात, एक टेक्निक का अंतर है, एक क्या टेक्निक का अंतर, ठीक, समझना बात। आप जो है जैसे हम लोग क्या कहते हैं भूगोल का लोगों ने सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, उस व्यक्ति ने क्या किया कि भूगोल के जो सिविल सर्विसेज का पेपर बनता है वही पेपर पूरे 100 रुपए डाले, ठीक है। अब हम और आपकी लड़ाई किसमें होगी, सामान्य भूगोल में, और जब जटिल प्रश्न आएगा तो हम लोग जटिल तक वहां क्योंकि वहां पढ़े ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं, ये हम लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया। उसी प्रकार से अगर क्राइटेरिया आपने बड़ा कर लिया तो आप ये समझिए कृत्रिम पावर अच्छी है, ऐसा नहीं है भाई जितना खाएं उतना पचाएं भी तो पढ़ते तो जा रहा है लेकिन मान ले चलिए तो क्या कुछ नहीं, उसके लिए होता है या प्रसन्न हो या फिर वहाँ चिंतन मनन हो, अगर कोई नहा ना हो सबसे अच्छी विधि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तुम पढ़िए और उत्तर जो है आप अपने आप याद आ जाए, समय बचत की, तो अगर समय हो पहले जो है क्वेश्चन कर डालिए प्रश्न लिखिए, ठीक है, और फिर जो है प्रश्न लिखने के बाद उत्तर की जगह छोड़ दीजिए, आपको कितने याद आ रहा है, पहले दिन आप मतलब 25 कीजिए, फिर 50 कीजिए, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, आपकी मेमोरी क्षमता कितनी तेज है, लिखने से जिनकी मेमोरी क्षमता थोड़ी कम होती है लिखने से मेमोरी वो जितनी धीमे के जैसे पाचन नहीं होता है, खाना जितने धीमे धीमे कर खाएंगे उतना अच्छा पाचन होगा, खाना जितने फास्ट खाएंगे आप उतने पाचन में दिखेगा, उसी प्रकार से पढ़ाई की विधि है, पढ़ाई में रेस का नियम होता है, शुरुआत में धीमे धीमे चलिए, जहाँ टारगेट आए अपनी पूरी एनर्जी उसी प्रकार से
जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए, लेकिन अंतिम समय पे अपनी ताकत छोड़ दीजिए, पूरी ढोंक दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा है साल भर में उसका रिवीजन कौन करेगा? आप ही को करना है। जब रिवीजन हो जाएगा तो आप पेपर आसानी से करिए। तो ये था कि हम लोग जो है एक साल में क्वेश्चन 150 में से 109, 110, 112 तक पहुँचवाते थे, जितने में सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, कई सब्जेक्ट में अच्छे हाथ में आती है, सामान्य ज्ञान औसत चला गया, हो गया सिलेक्शन। फिर नंबरिंग होता नहीं है, उसमें मैथ्स में नंबरिंग जोड़ा जाता है, आपने नंबर कितना प्राप्त किया। तो इसमें होगा क्या, ये उस व्यक्ति वो व्यक्ति जो है 125 130 तक क्वेश्चन कर लेता है 150 में। ठीक है, कितनी कम से कम 10-15 क्वेश्चन की उसने पहले से ही लीड ले ली। अब जब मेंस यहाँ फ्री से समझ में आ गया, अब मेंस का जब पेपर होगा तो वहाँ भी सामान्य ज्ञान के 2-3 पेपर होते हैं, अब उसकी तो तैयारी है, वो वहाँ लीड कर ले जाएगा। भाई पक्का की बात तो यह नहीं, उसकी व्यवस्थित तैयारी थी। दूसरे चांस में हिंदी मीडियम की सर्विस स्थान आएगा। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए चित्र लगा के। देखिए कुछ शब्द हैं, हमने कुछ शब्द भी लिखे हैं वैदिक काल के जो परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, समुद्र से उत्तर में हिमालय से दक्षिण में जो देश स्थित है उसे भारत देश तथा उसकी संस्कृति को भारतीय कहा जाता है।
वही कभी प्रसन्न नहीं है जो बिना राग दोष के सही तत्वों का निरूपण करता है। कहा जी कि कल्हण का आप यद्यपि यूनानी मिलेच में एक चीज और थी वो हम पहले जोड़वा देंगे, ध्यान नहीं आ रहा हमें। मैं बस ने एक चीज और कही थी जो भारत में जी जैसे दास प्रथा नहीं है, पाली दास प्रथा थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय होटल जिसने अर्थशास्त्र लिखा उसने कहा कि भारत में नौ प्रकार के दास हैं,
मनुस्मृति में सात प्रकार के दासों को बताया गया, ठीक, ये आप लोग लिख लें। मनुस्मृति सात प्रकार के दास, नौ प्रकार के बताए, आनंद ने बारह प्रकार के दास बताए, और स्मृतियों में नारद स्मृति ही ऐसी स्मृति थी जिसने दासों की मुक्ति का विधान किया। यद्यपि यूनानी मलेच्छ है किंतु वह ज्योतिष के विद्वान है, अतः वह पूजनीय है। बारह महीने कही थी रथ संहिता, पतंजलि और कात्यायन ये तीनों व्याकरणाचार्य थे, ठीक है। वाणी की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष, अष्टाध्यायी लिखा हुआ भाष्य है। कात्यायन ने भी एक वर्ग का नामक ग्रंथ लिखा था। इस प्रकार से इन तीनों को जो है मुनि त्रय कहा जाता है, ठीक है। प्रारंभ में व्याकरणाचार्य थे, ठीक है।
बहुत आपके खुद तक जा पहुँचे। किसी में लिखा है गांधी संहिता, गांधी संहिता का ही ये है कि ज्योतिष विचेतन भारत निर्माण का ट्रेनिंग है। देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें कही गई थी कि मीमांसा दर्शन राजा को राज कार्य में मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए क्योंकि अकेला पहिया नहीं चलता।
धर्म महायान धर्म का अनुयायी था। अभी हम बोले कह रहे हैं परीक्षा में यहाँ, ठीक है, पर हम ऐसे लिखाएंगे जो परीक्षा में कम आ सकते, लेकिन कभी भी आ सकते। जैसे किसने कहा था, यदि मेरे दूतों की भी छाया जिसके ऊपर पड़ जाए वह राजा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने नहीं, ऐसे स्टेटमेंट। देखो बेटा, आप लोगों को हमने क्लियर बात बताई है, किसी भी विषय की तैयारी के लिए ये जरूरी है कि आपके पास व्यवस्थित नोट्स, व्यवस्थित है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतना नोट्स हो कि अब आपको कहीं बाहर नहीं खोना, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, नोट्स है आपका, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए एक ही चीज़ को बार बार देखते रहेंगे तो आपका तैयारी एकदम बढ़िया रहेगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं, जब इलाहाबाद और दिल्ली में एक नियम है कि एक साल कोचिंग को दीजिए, अगली साल से कंपटीशन कम जाए, ठीक है। अब आप लोग अव्यवस्थित इसलिए हैं कि 288 में से मान के चलिए 10 या 12 जगह जाना है, ठीक है, आज तो मतलब आप लोग कितने बैठे दिखाई दे रहा, तो कितने लोग का भीड़, समझ ना। हाँ, ये एक दो चार ऐसे होंगे तो गंभीर होंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाना, ठीक है, नहीं, ठीक है। लेकिन तैयारी का तरीका यही है कि आप कहीं भी तैयारी करें, लेकिन कम से कम एक साल के अंदर जब टाइम दे रहे हैं तो एक साल में आप अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, जानते ही हो तुम लोग, है नहीं भाई, नोट्स बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे, बिना रूप के ज्ञान नहीं होगा। तो नोट्स आप बनाइए, व्यवस्थित बनाइए, और उसके बाद फिर आप कोई भी कंपटीशन हो, देखो अभी आप लोग बताएं, आर ओ की जगह ऐसी आती, आर ओ ये आती है, ये सचिवालय में पोस्ट होती है और लोक सेवा आयोग में पोस्ट होती है, इसमें चार पेपर होते, ठीक है ना, ध्यान देना आप लोग अच्छे से। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों में से जिसने भी गंभीरता से तैयारी कर ली तो थोड़ी सी भी किस्मत से क्लिक किया वो नौकरी प्राप्त करें, सबसे अच्छी नौकरी बिना इंटरव्यू की नौकरी, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, क्या होता है में मेन्स फ्री में दो पेपर होते हैं, दो पेपर में क्या होता है, एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, एक समझ लीजिए बात, एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है तो एक इसका होता है हिंदी और दूसरा पता नहीं, समझना बात को अच्छी से, ठीक। पहला जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की वो तो सामान्य ज्ञान की होगी और हिंदी के पेपर की होगी, आर ओ की परीक्षा, तो नौकरी बढ़िया कहाँ, सचिवालय में लखनऊ या इलाहाबाद लोक सेवा आयोग, और ट्रांसफर भी बाई चांस अगर होगा तो इधर उधर होगा, ठीक, और पदोन्नति के भी अच्छे चांस रहते हैं, आप ही लोगों में से जो आर ओ बन जाता है उन्हीं को सचिव बना दिया जाता है, आगे चलिए प्रमोटेड करके, यानी मंत्रियों के आप लोग खास हो जाते हैं, ठीक है, मंत्रियों सलाह मशवरा आय फायल ये सब व्यवस्था आर ओ के अधीन होती है, ठीक। हमने दो लोगों को गाइड किया अभी तक अपनी जिंदगी में, तो दोनों लोग आओ, ठीक है, हम नहीं बन पाए, देखिए एक को जो है गाँव का लड़का था, वो एक जालौन में हम जा रहे थे रास्ते में उनके पिताजी मिल गए, एक दिल्ली खुले पढ़ाते थे वहाँ पर थोड़ी सी बच्चे होगी फिर निकलना होगा, एक जगह से हमारा वो बैठे होते थे पिता बैठे दर बाजू में वहाँ कहाँ जा रहे थे, थोड़ा बैठ गए तो अपने लड़के से परिचय कराया, बोले आप थोड़ा मतलब लोग बाबा ने बताया था हमारे पास ये मेरे जो मतलब ऐसे ऐसे, तो बोले आप गाइडेंस कर दो, एक वो लड़का जो है PTC की पहले PTS की जा PTC की जा तो कंपटीशन की जा सेफ्टी मुताबिक होता, ठीक है ना, काव की श्रेणी में थे, वही हम बता रहे हैं कि कंपटीशन में लड़ाई तो ठीक है, आपने टारगेट बना लिया
लेकिन बिना रणनीति के, बिना सही वस्तु के आप उस लान पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। भाई साहब यकीन मानिए, उस लड़के ने चार एग्जाम निकाले गाइडेंस, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा के चार एग्जाम निकाले, वही लड़का नायब तहसीलदार बना, ठीक है नहीं, फिर कानून को बना, पहले कानून को बना, फिर नायब तहसीलदार बना, और फिर जो है वो एक नगर निगम में खुद होती है बीते, तो उसके पास आई तो उसके तहत उस विभाग में पहुंचा था, ठीक है, और इसके पश्चात वो बात एक ही लड़के ने चार को पता की तो नहीं बेटा तुम पकड़ते रगड़ते थक जाते, मुश्किल पड़ जाती नौकरी लेना। जैसे हम जो है कम से कम 8-10 मिनट समय खराब कर लिए, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, सिर्फ 5 पेज लेके आकर टारगेट बना हुआ था कि बस ठीक है जल्दी के और फिर फल फल भी रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि शब्द जो है कम से कम 150-200 शब्द और अगर हम उसी में जोड़ देते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, नंबर मिल जाता। तुम वस्तु जो शब्द जो है कम शब्दों में लिखोगे, अन्य लड़के ज़्यादा शब्दों में लिख रहे हैं उसको, तो उन्हें नंबर अच्छा मिलेगा। तो ये सब क्या है टेक्निक, देखो युद्ध में बाबर की 10,000 सेना, इब्राहिम लोदी की 1,00,000 सेना, और जो बाहरी आक्रमण आए भारत में कभी भी कोई भी आया, सिकंदर की सेना के सिवाय भारत में जितने भी आक्रमण आए उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं किसी के भी पास, चाहे महमूद गजनबी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे बाबर हो, चाहे नादर शाह हो, अंतर एक ही चीज़ का था आपको ये बताया कि हम भारतीयों ने कभी भी बाहर से बाहर के संसार को नहीं देखा, ठीक है नहीं, बाहर क्या उथल पुथल हो रही है, बाहर देश अन्य देशों में कौन सी चीज़ों का क्या हो रहा है, उन देशों संपर्क ज़्यादा नहीं रहे, हम अपने तक ही संतुष्ट रहे, वहाँ पर ये होता रहा, नई नई चीज़ें बनती गई, नए नए आयोजन बनते गए, ठीक है ना। औजार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी किस आधार पर होता था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सिर्फ लोहे के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा लोहे की खदानें थी, हाथी थे, युद्ध में लोहा और हाथी दो चीज़ें मिल गई और इसने जो है अन्य लोगों पर विजय प्राप्त किया। 16वीं-16वीं शताब्दी से पूर्व जब महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी थे तब भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, यानी बड़े बड़े राज्य 16, उन 16 में से फिर 6 ही रह गए, 6 में से अंत में संघर्ष होते होते एक ही राज्य बचा, वो कौन सा था, मगध राज्य। इसलिए डॉक्टर कहता है मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है नहीं, लोग क्वेश्चन आता है कैसे होगा मगध राज्य का उत्कर्ष, तो मूल कहानी यही थी कि मगध साम्राज्य जो है एक तो पहाड़ी के घिरा हुआ क्षेत्र था उसकी राजधानी, तो आसानी से उसे जीता नहीं जा सकता, साथ पहाड़ी को भी घिरा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। दूसरी बात कि मगध में जो है लोहे की खानों की उपलब्धता थी मगध राज्य में, जो कि अन्य राज्यों में के पास नहीं थी उपलब्धता, ठीक है नहीं, मगध राज्य के पास अधिक संख्या में हाथी थे, वहाँ के जंगलों से हाथी पकड़ देते थे जो, तो युद्ध में जो हाथी जो है विरोधी सेना की के सिपाहियों को कुचलने काम आती थी, ठीक है नहीं। तो होता क्या है कि बिना रणनीति के आप लोग को काम हासिल नहीं करते, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है रणनीति का अभाव, पूरी किताब रखने से फायदा क्या है जब आपको मालूम ये चल जाए कि क्वेश्चन इन एन कौन कौन से आते हैं। पीएससी फर्स्ट ईयर पूरी बॉटनी की हमने किताब रख ली, पूरी बॉटनी की, पूरी जूलॉजी पढ़ लिया, मैं तो कम नंबर आया। सेकेंड ईयर में पहुँचे लड़कों से संपर्क किया तो पता चला कि वो सिलेक्टेड चीज़ें नोट्स और वही चीज़ें पढ़ी, मेरिट अपने आप बढ़े, तो वही है टेक्निक का अंतर। खाली युद्ध में ये जो है कंपटीशन युद्ध है, इसमें आप जो है कम से कम 5-5, 10-10 लाख लोग बैठते हैं, सीटें कितनी हैं 500, 600, 700, 800, 1000 ज़्यादा है ज़्यादा, इतने लोगों को आपको पटक नहीं देनी, ठीक है ना, आप कैसे पटक नहीं देंगे,
सबको हराना है और एक सीट प्राप्त करनी है। जाहिर है विषय वस्तु अच्छी हो, आपकी टेक्निक अच्छी। हेलो, अरे अरे नमस्कार, लेकिन वह अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करता। कोई गर्ज नहीं था जब भारत रोमन साम्राज्य से 10 करोड़ सेस्टस नाम प्राप्त करें, मतलब ये मुद्रा थी उनकी, ठीक है, सेस्टस नाम प्राप्त करें। देखिए आप लोग बता दें, परीक्षा में कई बार आता है, ध्यान देना तुम लोग, बात चली गई तो एक मुद्रा थी दीनार, एक थी मुद्रा द्रम, एक द्रम जो है यूनानी मुद्रा थी और ये दीनार लैटिन मुद्रा थी, ठीक, इसी से क्या बना, समझना बात, दीनार द्रम
आवेश विद्या है काम निर्माण धर्म निर्हम दाम दाम निर्हम कौन सी है अरब में चलती थी दाम क्या है भारत की मुद्रा देखिए एक ही शब्द का अपभ्रंश हो गया कि नहीं हो गया परीक्षा में आता है भारतीय मलमल ने रोमन सभ्यता का अंत कर दिया किसने कहा प्लेनिंग कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहाँ कनिष्क को नगर बसाया राजतरंगी राजतरंगी किसकी रचना है कलहण की ठीक है किसकी है कलहण की अशोक भगवान शिव का उपासक था किससे जानकारी मिलती है कलहण की राजतरंगी से अशोक ने कश्मीर श्रीनगर शहर बसाया किससे जानकारी मिलती है राजतरंगी से अब कश्मीर में है क्या कश्मीर जो है तीन प्राचीन राजवंश थे कश्मीर में पहला था कारकोट वंश फिर उत्पल वंश फिर लोहार वंश ठीक है परीक्षा पूछ लिया जाता है इसमें
एक दो राजा आपके नाम महत्वपूर्ण है, दो राजाओं के नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक द्वितीयादित्य मुक्ता पीठ, जैसे कुछ नाम ललितादित्य मुक्ता पीठ, क्या नाम है, ललितादित्य मुक्ता पीठ, ठीक है ना, ललितादित्य मुक्ता पीठ, और दूसरा है जैनुल आबदीन, दूसरे क्या नाम था, जैनुल आबदीन, ठीक, वो लेकिन शाही वंश का था, शाही वंश, ठीक है ना, मुस्लिम शासक था, उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है ना, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल आबदीन, ठीक है, ललितादित्य मुक्ता मुक्ता पीठ उत्पल वंश का था, ठीक है ना, और एक रानी थी जिसका नाम था रानी दत्ता, ठीक, जो भारत की एक लंगड़ी राज रानी के रूप में जानी जाती है, और जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया उस समय इसने अपने राज्य की रक्षा की, इस प्रकार से व्यवस्था की थी, कश्मीर उसके आक्रमण कर गया। अब कश्मीर के संबंध में दो तीन बातें याद करने लायक हैं। कश्मीर अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, राजतरंगी का इतिहास देखा जाए, तो ध्यान दें आप लोग, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, राजतरंगी, क्योंकि इतिहास को लिखने का जो ढंग है तिथि क्रम से, वो किसने लिखा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि उसके जो दो प्रथम भाग हैं, ठीक है ना, यानी अंतिम भाग उसका ऐतिहासिक है, ठीक, समझना बात को, 12वीं शताब्दी में लिखी, उस समय राजा हर्ष था कश्मीर का, उसके शासनकाल में लिखी, ठीक है ना, इसी के कुछ समय पश्चात वहाँ पर जो है उथल पुथल हुई, और फिर मुस्लिम जो है आक्रांताओं ने राज्य को जीत लिया और मुस्लिम राज्य स्थापित कर, ठीक है, 1200 के आसपास, ज़्यादा सारे नहीं हुई, लेकिन जो सभ्यता इस्लामिक सभ्यता आई उसने धीमे धीमे करके भारत के तीन भाग अलग कर दिए, ठीक है, कौन कौन सा अलग चला गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना, कश्मीर में भी वही स्थिति बनी हुई, ठीक। अब राजतरंगी में लिखा है कश्मीर की स्थापना जो है इसने की थी, कश्मीर की स्थापना कश्मीर में एक समय जो है वहाँ का समुद्र था, क्या था, और ये वैज्ञानिक और भूगोल वेत्ता भी बताते हैं कि कश्मीर जो है हिमालय में बसा है, समझना बात, और वहाँ पर एक तेथिस नामक महासागर था, ठीक, फिर हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर की दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर घर्षण किया और तेथिस सागर जो है नष्ट हो गया, उसकी जगह हिमालय पर्वत श्रृंखला और भरा, कई हजार करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया फलस्वरूप एक प्रक्रिया होती चलती है, तो हिमालय पर्वत संसार का सबसे आधुनिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। अब ये भी क्योंकि रातरंगी में ये लिखा है कि जो समुद्र था उस समुद्र को कश्यप ऋषि ने पी लिया था, ठीक है ना, रातरंगी में ये लिखा है कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि की संतानें ही थी, दो तीन पत्नियां थी उनके, एक पत्नी से दानव पैदा हो गए, एक से जो है अशोक पैदा हो गए, एक से देवता पैदा हो गए, ठीक है, तिथि अतिथि और एक का नाम और कुछ था, ठीक है ना, तिथि अतिथि और एक और पत्नी थी, कोई दो प्रसिद्ध नाम है, ठीक है ना, तो दानव अशोक और देवता ये कश्यप ऋषि की पत्नियों की संतान है, ठीक है ना, अंत में गुरु शुक्राचार्य को देवताओं ने अपना गुरु नहीं बनाया, शुक्राचार्य को असुरों ने अपना देवता बना लिया, और देवताओं ने अपना जो है गुरु किसको बनाया, बृहस्पति जी को, अतः इस बात से एक चैन टेढ़ी हो गई, तो गुरुओं के पीछे पहले लड़ाई होती थी, भारत की पहली ऐतिहासिक लड़ाई दासराज युद्ध है, ठीक है ना, कौन सा युद्ध है, दासराज युद्ध,
यह जो है पुरोहितों के ही पीछे लड़ाई हुई थी। सुदास और दियोदास नामक दो राजा थे, ठीक है ना। सुदास राजा था भरत वंश का, भरत कबीले का तित्सु वंश, भरत कबीला तित्सु वंश था, ठीक है नहीं। अब दियोदास का पुरोहित थे वशिष्ठ, उन्होंने वहां से पुरोहिता छोड़कर और सुदास की पुरोहिता स्वीकार कर ली। इससे ये होगा कि दियोदास ने विश्वामित्र को बना लिया, ठीक है ना। इसके पश्चात पुरोहितों के लिए यानी अपनी उच्चता के लिए इन राजाओं ने संघर्ष किया। इसमें अंत में विजय किसकी हुई? सुदास। यह जो है इसमें जो पांच जन उस समय जन थे, ठीक है ना, पांच प्रमुख जन यानी छोटे छोटे कबीला, आपको बताया पहले परिवार कुटुंब कहते थे, आर्यों की जो राजनीतिक संस्था थी कुटुंब, कुटुंब से ग्राम है, कुटुंब कुटुंब या कुल है, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से महाजन, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद से वो राज्य, ठीक, वही राज्य बने, बड़े बड़े एकीकृत राज्य बने। अंतिम चरण में राजनीतिक स्थिति ये थी, तो उस समय पुरोहितों के पीछे ही लड़ाई हुई। तो वही जो कश्यप ऋषि थे जिनकी ये संतान है, जो आपस में लड़ते रहे, पहले वो लड़ते रहे, अंत में उसमें मानव भी सम्मिलित हो गए, उन्हें लड़ लड़ के अपनी शक्तियाँ खत्म कर दी। देवता और असुर लड़ते रहे और उनकी शक्तियाँ नष्ट हो गई। अब आए मानव, अब मानवों का योग है, मानव भी लड़ते रहे, ठीक है नहीं। अब मानव की मानव से ही लड़ाई है, ऐसा योग ऐसा है। तो कश्मीर में कारकोट वंश, बल वंश और लोहार वंश था, इसके पास पश्चात कुमाया शाह, इसे हम बोलते हैं शाही वंश भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का कारण थी, उसका कथन है। हर सुसाद शास्त्री का
चाहे मैं अंतापुर में रहूँ, उद्यान में रहूँ या साइन कक्ष में रहूँ, मेरे पिछले तक मुझे सूचना देते हैं, अशोक का छठवां सिला देते हैं। जीवन के अंतिम काल में वह है, वह का मतलब है अशोक, वीरभद्र और भीम अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, लीड महोदय ने कहा, ठीक है ना, कहा था लीड महोदय। Thank you.
अशोक ने अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या करके ही गति प्राप्त की थी, इसलिए भी हम देखिए हर क्षण हर पल चाहे मैं अंतापुर में रहूं या उद्याल में, ठीक है, अशोक के छठवां शिलालेख आगे आने वाला दिव्यादान में, ठीक, सारी संपत्ति वाला प्रीत महोदय ने कहा आत्म संयम वाला ज्यादा आता है, आत्म संयम वाला है संयम सातवां, ठीक है, और देवताओं का प्रिय धर्म विजय तो सबसे बड़ी विजय विजय वाला है, तो जो कलेंगे विजय का भी उल्लेखित में है तेरह शिलालेख में, ठीक है नहीं, तो विजय धर्म विजय का भी उल्लेख विजय विजय काय में सब विजय जितना सब आया है तो तेरह शिलालेख में, ठीक। अशोक ने अपने निर्णय भाइयों की हत्या करके ही गति प्राप्त की थी, जो ऐसी चीजें हैं जो उल्टी सीधी विचित्र प्रकार की वो तो कहाँ इधर उधर ग्रंथों में लिखी है, तो जो सिंगरी अनुसूति है जो दीपवंश और महावंश ये दो ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में लिखे गए, अतः लेट आया और इस काफी समय हो रहा है।